हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ रशिका, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंट, जो कि हमारे 6th एडिशन है और शंकर आईएएस एकेडमी की बुक है। लास्ट हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल देखे थे, आज उसके आगे देखेंगे और भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझेंगे, जो भी एनवायरमेंट को यानी कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए जितनी भी हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसके बारे में समझेंगे। तो मैं यहाँ पर पार्ट 3rd से स्टार्ट की हूँ। पार्ट 3rd से इसलिए स्टार्ट की हूँ क्योंकि पार्ट 3rd बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे ये बुक पूरी की पूरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पार्ट 3rd से स्टार्ट की हूँ क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करती है। ओके, तो इसमें काफ़ी लेसन, ये सारी लेसन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसमें हम लोग UNFCCC देख चुके हैं, क्योटो प्रोटोकॉल देख चुके हैं, आज हम लोग देखेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ और कुछ अदर मैकेनिज्म जो कि UNFCCC की है। ओके, उसके बाद इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे कि आपका UPSC प्रीलिम्स या फिर स्टेट PCS में कहीं भी आप प्रीलिम्स देते हो तो उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जितनी भी कंप्लीट हो चुकी है उन सारे की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है, या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आके स्टार्टिंग से वीडियो देख सकते हैं, जो कि हमारा प्लेलिस्ट का नाम है एनवायरमेंट बाय शंकर आईएएस। ओके, तो चलिए आज के लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉप से, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज से। तो यहाँ पे आपका कॉप जो है, इस बुक में आपको कॉप 15 से दी गई है, और हर एक कॉप का यानी कि जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की सबमिट होती है, मीटिंग होती है, उसका एक फाइनल आउटकम निकल कर आता है, और जहाँ पे वो मीटिंग होती है उसी को हम लोग यहाँ पर उस जगह के नाम पर सबमिट कह देते हैं। जैसे ये कॉप 15 आपका कॉफिन हैग में हुई है, इसलिए कॉफिन हैग में ही इसका नाम निकल कर आ गया कि ये कॉफिन हैग जो है आपका यहाँ पर सबमिट है। ओके, तो इसलिए इसको इस तरीके से कहते हैं। और हर एक साल जो है आपका कॉप होता है, कॉन्फ्रेंस और पार्टीज़ होती है, हर एक साल कुछ ना कुछ आउटकम्स निकल कर आती है। जितने भी मेंबर कंट्रीज़ होते हैं उनके लिए कुछ टारगेट रखा जाता है कि क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से टैकल करना है और क्या क्या यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है, सब कुछ फॉलो करनी होती है। ओके, तो हर एक साल ये आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बात ये जानने की ज़रूरत है कि जिस साल आप एग्ज़ाम देने वाले हो, चाहे वो इस साल हो या नेक्स्ट ईयर हो या फिर नेक्स्ट के नेक्स्ट ईयर भी हो, आप लोग जिस साल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस साल अगर कॉप हुई है, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ अगर उस समय कोई सबमिट हुई है, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो प्रीवियस ईयर का कॉप कॉन्फ्रेंस हुआ है। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन इस बुक में आपको पूरी तरीके से कॉप 15 से लेकर कॉप 24 तक, यहां पे मुझे जहां तक याद आ रहा है कि इसमें है, तो सबके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देते चलूंगी। इतना डेप्थ में ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कॉप 15 में क्या था, कॉप 16 में क्या था। बस आपको दो तीन चीजें याद रखनी है कि कॉप 15 कहां पे हुई थी, उसका सबमिट का नाम क्या था, क्योंकि कई बार ऐसा रैंडम क्वेश्चन अगर क्वेश्चन पेपर को टफ बना रहा है ना, तो इस तरीके का क्वेश्चन निकल जाता है कि कॉफिन हैग सबमिट आपका कौन सा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का नंबर था। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को टफ बनाने के लिए पूछ लिया जाता है, लेकिन वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। मेनली आपको बस उस ईयर का जानना है जिस ईयर आप अपीयर होने वाले हो अपने एग्जाम में। ओके, तो कॉफ 15 अगर कॉफिन हैग से सबमिट देखें तो यहाँ पे एक तरीके का नोट निकल कर आया, जो कि कॉफिन हैग एकॉर्ड था और यहाँ पे 5 नेशंस एकॉर्ड थी, जो कि बेसिक और US के बीच में थी। और यहाँ पे अगर हम लोग पूछे कि कॉफिन हैग एकॉर्ड जो थी ना, ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट थी, यानी कि यहाँ पे जितनी भी रूल्स रेगुलेशन जितने भी कंट्रीज को जो मेंबर कंट्रीज होते हैं उनको दी गई थी, जरूरी नहीं है कि वो सारी कंट्रीज इनको फॉलो ही करें। जो फॉलो कर सकते हैं वो फॉलो करते, जो फॉलो नहीं कर सकते वो फॉलो नहीं करते, ऐसा कोई बाइंडिंग यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं हुआ था। ओके, तो यहाँ पे जितनी भी बातें की गई थी वो आपसे कहीं भी नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए इतना आपको पढ़ने का और याद करने का ज़रूरत नहीं है। कॉप 16 की बात करें तो ये कैंकन सबमिट थी, यानी कि एक कैंकन एग्रीमेंट थी जिसमें कि आपका डिसीजन लिया गया था कि कन्वेंशन और जो क्यूटो प्रोटोकॉल यहाँ पे इस ट्रैक में नेगोशिएट की गई थी, यानी कि इसके ऊपर बात की गई थी। और क्यूटो प्रोटोकॉल किस चीज़ से रिलेटेड है, इस प्रोटोकॉल में किस टॉपिक से रिलेटेड बात होती है, मैं लास्ट लेसन में पढ़ाई हूँ, अगर आपको याद है तो आप इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आपको बताना है कि क्यूटो प्रोटोकॉल जो है किस टॉपिक से रिलेटेड है। ओके, अब यहीं पे आपका कैंकन जो एग्रीमेंट है वो निकल कर आया है। जितने भी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है उनको यहाँ पे टारगेट दिया गया है कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाएगा मल्टीलैटरल प्रोसेस के अंदर, और ये सारी कंट्रीज जो है ना, इनको लो कार्बन डेवलपमेंट प्लान डेवलप करनी है, यानी कि इस तरीके से इंडस्ट्रीज में काम होनी चाहिए कि इनकी जो कार्बन इमिशंस है वो यहाँ पे लो हो सके, कम से कम वो यहाँ पे इमिट कर सके। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके का डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज दोनों के लिए अलग तरीके का टारगेट बनाया जाता है कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को टैकल करके चलना है। कुछ मैकेनिज्म भी आप देख सकते हो कि इस तरीके का निकलता है कॉप 16 का, जैसे टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म, किस तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, साथ ही ग्रीन क्लाइमेट फंड की भी प्रोविजन्स है कि अगर कोई भी नेशंस यहाँ पे अपनी कार्बन इमिशंस को कट करना चाहते हैं या फिर अपने क्लाइमेट को और बेटर करना चाहते हैं तो उनको अगर फंड की ज़रूरत है, पैसे वगैरह की ज़रूरत है, तो ये ग्रीन क्लाइमेट फंड उनको प्रोवाइड करती है। एडेप्टेशन फंड भी एक तरीके का फंड होता है जो कि इस तरीके
तरीके से आपका यहाँ पे एडेप्टेशन जो फंड है ना वो यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था कि जितने भी यहाँ पे एडेप्टेशन प्रोजेक्ट है उनको फाइनेंस किया जाएगा, सारे प्रोग्राम्स को फाइनेंस किया जाएगा जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में हैं। ओके, तो ये सारी बातें होती है आपका, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो यही सारी बातें रखी गई है, तो इतना आपको जानने का ज़रूरत ही है। हाँ, एक चीज़ ये पूछा जाता है कि कॉप 16 पार्टीज़ में आपका जो है ग्रीन क्लाइमेट फंड को इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये सारी जो मेन पॉइंट है ना मैं आपको यहाँ पे बताते जा रही हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस वो सारी चीज़ें याद रखिए क्योंकि रैंडमली पूछा जा सकता है ये सारे क्वेश्चन। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और फिर यहाँ पे देखते हैं COP 17। COP 17 देख सकते हो डरबन में हुई थी, तो ये डरबन समिट कह दिया गया। यहाँ पे न्यू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज रिजिम लिया गया, यानी कि एक नया तरीके का यहाँ पे आपका इनिशिएटिव लिया गया। इंडिया जो है डरबन गई थी विथ टू मेजर यहाँ पे जो है डिमांड लेकर, एक जो है इक्विटी जो कि यहाँ पे न्यू क्लाइमेट रिजिम निकल कर आ रही है, और एक न्यू ग्लोबल डील जो कि यहाँ पे 2020 के बाद इसको लॉन्च किया जाएगा। तो डरबन समिट जो 2017 यानी कि COP 17 में हुई थी, तो यहाँ पे आउटकम्स जो निकल कर आई वो न्यू डील थी जो कि फाइनलाइज किया गया था 2015 में, और इसको 2020 में लॉन्च किया जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल की जो सिक्योर्ड है उसकी सेकेंड फेज स्टार्ट होने वाली है। ग्रीन क्लाइमेट फंड को यहाँ पर आपका लॉन्च किया गया था, साथ ही इक्विटी फाइंड्स प्लेस बैक इन फ्यूचर क्लाइमेट टॉक्स, एडेप्टेशन मेकानिज्म है, ट्रांसपेरेंसी मेकानिज्म है, इस तरीके की जो है यहाँ पे आउटकम्स निकल कर आई थी। वहीं अगर 2012 की बात करें तो यहाँ पे आपका COP 18 हुआ था। ऐसा नहीं है COP 18 आपका नंबर है, लेकिन ये आपका जो है ईयर आपका पहले भी हो सकता है, 2018 मत समझिएगा, ये COP 18 है जो कि दोहा आउटकम्स है। यहाँ पर आपका ग्लोबल ग्रीन क्लाइमेट आपका जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ था, यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पर एग्री की थी कि वो यहाँ पर काम करेगी यूनिवर्सल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में जो कि 2015 से निकल कर आई थी, और इसमें सारे कंट्रीज़ को कवर किया जाएगा जो भी यहाँ पे आपका 2020 से इफेक्ट से आएगी। अमेंडमेंट किया गया है यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल में, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल तरीके का सिर्फ एग्जिस्टिंग और बाइंडिंग एग्रीमेंट है जिसके अंदर जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो यहाँ पे क्वांटिटेटिव कमिटमेंट लेते हैं कि अपने ग्रीन हाउस गैसेस को कट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट किया गया था, यहाँ पे 8 ईयर्स जो सेकेंड कमिटमेंट पीरियड है उसको यहाँ पे 2013 से स्टार्ट किया जाना था। क्योटो प्रोटोकॉल की जो मार्केट मैकेनिज्म है जैसे कि आपका ग्रीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन है, ये सब कुछ मैं लास्ट लेसन में पढ़ाई हूँ, प्लीज़ वहाँ पे देख लीजिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सारी बातें यहाँ पे की गई थी। फिर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का कंप्लीशन है, यानी कि ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत नहीं है और याद भी नहीं रखना है। फिर आपका 2013 में देख सकते हो कि COP 19 हुआ था जिसको हम लोग वार्सो आउटकम कहते हैं, तो ये एक एग्रीमेंट था जिसमें कि गवर्नमेंट अपनी टाइमलाइन को डेवलपमेंट के लिए 2015 की जो भी एग्रीमेंट थी उनको डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे जो है आपका एडवांस किया गया। नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस की जा रही थी, साथ ही यहाँ पे जो प्री 2020 एम्बिशंस कैप है उसको बंद करने का कोशिश किया जा रहा है। और फिर आप देख सकते हो कि वार्सो फ्रेमवर्क किया गया था RED+ में, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये एक्चुअली ये किस चीज़ पे बात करती है, डेजर्टिफिकेशन पे बात करती है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, COP 20 की बात करें जो कि 2014 में हुई थी, तो यहाँ पे लीमा आउटकम निकल कर आया था। तो लीमा क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पे फर्स्ट टाइम अचीव की है, वो भी इंटरनेशनल क्लाइमेट प्रोसेस की हिस्ट्री में। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ स्टेप लिया गया है कि किस तरीके से सारी कंट्रीज़ डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है कुछ एडेप्टेशंस लेगी। मोर कंट्रीज से यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल की जो दोहा अमेंडमेंट है उसको यहाँ पे आपका एक्सेप्ट किया गया। तो यहाँ पे नाउरू है और तुलावु है जो कि अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस को यहाँ पे सबमिट की थी, वो भी दोहा अमेंडमेंट में। फिर न्यू क्लाइमेट एक्शन पोर्टल यहाँ पे लाया गया था, एक पेरू ने एक न्यू पोर्टल लॉन्च की थी जो कि नास्का क्लाइमेट एक्शन पोर्टल है, और ये यूनाइटेड नेशन FCCC को सपोर्ट करेगी। साथ ही जो विजिबिलिटी है क्लाइमेट एक्शंस की वेल्थ का वो भी सिटीज़ में, रीजन में, कंपनीज में, इन्वेस्टर्स में उसको यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से बात किया गया है यहाँ पे। फिर आप देख सकते हो कि पेरिस एग्रीमेंट चेंज कॉन्फ्रेंस जो COP 21 थी ये 2015 का था, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको पेरिस एग्रीमेंट के नाम से आप समझते हो कि हमेशा न्यूज़ में रहती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा टारगेट सेट किया गया था। यहाँ पे ये बताया गया था कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है ना वो हम लोग को अब यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल में ही रखना है, और ये एक टारगेट सेट कर दिया गया था जो कि पेरिस एग्रीमेंट में ही था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए हैं, इसलिए ये COP 15 जो है बहुत ज़्यादा COP 21 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। ओके, तो लिमिट टेम्परेचर जो है ये 1.5 डिग्री सेल्सियस से आपका 2 डिग्री सेल्सियस तक ही रखना है। ये एक तरीके का ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को यहाँ पे आपका पेरिस एग्रीमेंट में फिक्स कर दिया गया था, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यही कहा गया था कि अगर हम लोग इस ग्लोबल टेम्परेचर को यहाँ पे अगर टैकल नहीं कर पाएंगे, इसको फिक्स नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो आगे आने वाले दिनों में हम लोग को एक्सट्रीम हीट स्ट्रोक से झेलना पड़ेगा। ओके, उसके बाद COP 22 आपका 2016 में हुई थी जिसको कि मराकेश क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं, और ये आपका जो है
यहाँ पे भी पेरिस एग्रीमेंट को ज़रूरत है कि ये जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना वो यहाँ पे बाइनियल रिपोर्ट प्रोवाइड करे फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जो भी यहाँ पे उनको मोबिलाइज़ करना है पब्लिक इंटरवेंशन के थ्रू। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा कब क्या हुआ। एक ऑर्फन इशू यहाँ पर निकल कर आया। मोस्ट कंटेंटियस अगर आइटम्स हम लोग माराकेश में देखें तो किस तरीके से जो है ना हम लोग सो कॉल्ड ऑर्फन इशू को यहाँ पर सेट कर सकते जो कि पेरिस एग्रीमेंट में रेफर किया गया था। ओके, तो ये एक ऑर्फन इशू है, यानी कि जितने भी आपके डेवलपिंग नेशन है उनको किस तरीके से हेल्प करना है। तो हेल्प किसके द्वारा किया जा रहा था? डेवलप्ड नेशन के द्वारा हेल्प किया जा रहा था। जितने भी डेवलपिंग नेशंस होते हैं वो इतने उनके पास इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए उनके पास सारी रिसोर्सेज हो, तो वो इस सारे रिसोर्सेज के लिए जो है ना क्लाइमेट जितने भी डेवलप्ड नेशन होते हैं उनका हेल्प लेते हैं। तो इसलिए इसको ऑर्फन इशू कहा गया है कि कुछ ऐसे इशू है जिसका कि सर पैर नहीं है, माई बाप नहीं है, तो ऐसे इशूज़ के लिए जो है डेवलप्ड नेशन डेवलपिंग नेशंस को यहाँ पर हेल्प करते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट जो है आपका बून कन्वेंशन हुआ था जो कि आपका COP 23 है, 2017 है। तो ऐसा ही पूछा जाता है कि COP 23 आपका कौन सा कन्वेंशन था, तो कौन सा कॉप था, तो ये आपसे पूछा जाता है, तो इसलिए आपको याद रखना है बून का। ओके, जो कि जर्मनी में है बून। आपका की आउटकम्स आप देख सकते हो यहाँ पे, बहुत ज़्यादा फिजीज कॉप थी, बहुत ज़्यादा बातें हुई थी, तालोना डायलॉग जो है आपका COP 23 से निकल कर आया था। इस तरीके से आपको याद रखना है, बाकी इतना आपको और भी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारे बात की गई है COP 24। COP 24 December 18 में हमारा हुआ है काटोविस पोलैंड में। तो इसके बारे में जो भी आउटकम्स है आपको उसको पढ़ना है, जो कि मैं आपका वीजन आईज की जो मैगजीन्स होती है उसमें मैं आपका कवर करा देती हूँ। इन्वायरमेंट वाले सेक्शंस पे आपका वहाँ पे कवर हो जाता है। COP 24 मैं अच्छे से कवर करा चुकी हूँ, तो आप लोग उसको देख सकते हो। जनवरी वाले मैगजीन्स में आपको जो 2019 की जो जनवरी वाली मैगजीन्स है ना उसमें आपको मिल जाएगी। ओके, तो डिटेल में वहाँ पर हम लोग डिस्कस किए हैं। और पोलैंड जो है यहाँ पर क्लाइमेट कन्वेंशन फॉर द थर्ड टाइम प्रेसिडेंसी में के लिए होल्ड कर रही है, तो ये भी यहाँ पे आपका छोटा सा दिया गया। तो आपका जो मेजरली अगर 2019 के कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बैठ रहे हो तो आपका 2018 के जो COP 24 है इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आप स्टेट PCS के एग्जाम दे रहे हो तो इसमें सिंपली आपसे पूछा जाता है कि COP 24 कहाँ हुई थी, ये काटोविस में हुई थी, पोलैंड में है, तो इस तरीके से पूछा जाता है। कुछ यहाँ पे अगर आप प्रीलिम्स देने वाले हो अगले साल भी तो इससे कुछ डिटेल में पूछ लिया जाता है, या फिर आपके इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है, मेंस में भी लिखने के लिए आता है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ओके, कुछ और अगर हम लोग मैकेनिज्म है जो कि हम लोग यूनाइटेड नेशन FCCC के बारे में देखेंगे तो ये हम लोग नेक्स्ट लेसन में देखेंगे, जो कि हर एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फंड है। आपको पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए कितने तरीके के फंड जो है यहाँ पे मिनिस्ट्रीज देते हैं जो कि इन्वायरमेंट के हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे। आज मैं यहाँ पर आपको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में एक ओवरव्यू दी हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ना है और किस तरीके से चीज़ों को समझना है। ओके, तो COP 24 के बारे में जो है आप मेरा लेसन देख सकते हो, और वैसे भी आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे अगर आप लोग रेगुलर न्यूज़ को फॉलो कर रहे हो तो। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतने ही है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन FCCC में कितने तरीके के फंड होते हैं, क्योंकि फंड से भी क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग को पता होना चाहिए। ओके, तो अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और रेट कमेंट रिव्यू कर सकते हैं, और साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं श्योरली आंसर करूँगी, और हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। ओके, और आपको इस बुक की PDF चाहिए या कोई भी मैगजीन की PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम है रिसोर्स पॉइंट। ओके, थैंक यू।